मैंने लिखा है कि विश्वास करो वो सुनेगा। वो कौन? भगवान हमेशा सबकी सुनता है, लेकिन कुछ लोग हमेशा ये कहते हैं भगवान नहीं हमारी सुनता। एक घटना बताता हूं। एक बहुत अमीर आदमी अपने जीवन में बहुत अधिक पैसा कमाता जा रहा था और पैसा कमाते 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 वो बहुत अमीर हो गया। अब जब बहुत अमीर हो जाते हैं तो पैसे की लालसा लगभग खत्म हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे स्तर पर आ जाते हैं जहां हमें पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं होती। अब जरूरत होती है शोहरत की, नाम की, नेम फेम की, लोगों तक पहुंचने की, लोग सम्मान करें इसकी। और धीरे धीरे वो व्यक्ति जब बहुत अमीर हो गया तो बहुत सारे लोगों ने उसका सम्मान करना शुरू किया। वो दिल्ली में रहता था, चेन्नई के एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसको सम्मान के लिए कहा कि हम सम्मान देने के लिए आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए, आपके द्वारा किए गए देश के प्रति समर्पण के लिए हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। कितने लोग हैं जिनको लाइफ में कम से कम एक बार सम्मान जरूर मिला है? कम से कम एक बार जरूर मिला है लगभग हर व्यक्ति को। जैसे स्कूल में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आए होंगे तो सम्मान दिया होगा। तो उस व्यक्ति को सम्मान के लिए चेन्नई बुलाया गया। उस व्यक्ति ने फ्लाइट टिकट बुक की और टिकट बुक करने के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचा। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद फ्लाइट में बोर्ड हुआ और बोर्ड होने के बाद वहां बैठा, आराम से रिलैक्स हुआ, अपना लैपटॉप खोला कि चलो अब जहां मैं जा रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति को मंच पर बोलने की आदत नहीं होती। उसने सोचा आप मुझे वहां बुलाया है, मंच पर भी मुझे जाना है, कुछ अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर लूं, क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, वो सब कुछ लिखने लगा। अचानक टर्बुलेंस आया, मतलब हवाई जहाज गड़बड़ाने लगा, तो एक अनाउंसमेंट हुआ, मौसम की खराबी के कारण हम लोग अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच रहे, ये फ्लाइट चेन्नई की जगह मुंबई ट्रांसफर की जा रही है। इस बात को सुनते इस व्यक्ति का मूड खराब हो गया। यार ये क्या तरीका है, मुझे चेन्नई पहुंचना है, मेरा प्रोग्राम है, 5 बजे मेरी फ्लाइट लैंड होगी, 7 बजे मुझे फंक्शन में जाना है, वहां मुझे जाके स्पीच देनी है और स्पीच देने के बाद मेरा सम्मान होगा और वो सम्मान पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में छपेगा। वो व्यक्ति ऐसा सोच रहा था, गुस्से में बोलता जा रहा था। फ्लाइट मुंबई में लैंड हुई, लैंड होने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा, उसने देखा यहां भी पूरा मौसम खराब है और खराब मौसम को देखकर बोला यार इतना मौसम खराब है मैं क्या करूं, मैं तो बहुत अच्छी जगह जाने वाला था, मैं तो फंस गया आज। तो वहीं उसकी फ्लाइट में एक व्यक्ति और होता है, वो कहता है आप डॉक्टर राम विश्वास है ना? उसने कहा। कह रहे आप तो बहुत फेमस डॉक्टर हैं, आप तो हार्ट सर्जन हैं। उसने कहा सर फिर आप परेशान क्यों हैं, आप दिल के डॉक्टर हैं और आपका ही दिल इतना तड़प रहा है। तो वो व्यक्ति गुस्से में बोला यार बेकार की बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे चेन्नई पहुंचना था और मैं मुंबई में हूं और मुझे लगता नहीं कि मुंबई से चेन्नई पहुंच भी जाऊंगा। तो उसने कहा सर आप यहां से एक टैक्सी लीजिए और टैक्सी लेकर अगर आप जाएंगे तो संभवतः आप 5 बजे नहीं 7 बजे तो पहुंच ही जाएंगे। उसने कहा ठीक है गुड आइडिया। वो बाहर गया, टैक्सी ली, टैक्सी में बैठा, लैपटॉप खोला और टाइप करने लगा अपनी वो स्क्रिप्ट जो उसको वहां पर बोलनी है। और जब टैक्सी वाला चलने लगा तो टैक्सी वाले ने कहा, ड्राइवर ने कहा कि सर आप तो कोई फेमस आदमी लग रहे हैं मुझे। पीछे घूम के देखा, सर आप तो डॉक्टर, क्या नाम बताया था मैंने, क्या नाम बताया था, आप तो डॉक्टर राम विश्वास हैं जो एक बहुत बड़े हार्ट सर्जन है। उसने कहा बकवास मत कर, सीधा गाड़ी चला। वो चलाने लगा, चलते चलते मौसम खराब था, बहुत तेज बारिश होने लगी, अंधेरा छा गया। उसने कहा डॉक्टर साहब इतनी बारिश में तो ट्रक गाड़ी चलाना भी मुश्किल है, मैं लगता है कहीं रास्ता ना भटक जाऊं। उसने कहा फिर भी ले चल, जहां ले चल सकता है। चलते 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 वो रोड पर भटक गया और वो एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गया जो रास्ता एक गांव में उतरता था। तो जब वो रास्ता गांव में उतरा तो गांव में जाने के बाद वहां पर गाड़ी भी खराब हो गई और उसने कहा कि यार मेरी तो आज लगता है किस्मत ही खराब है, यहाँ तो गाड़ी भी खराब हो गई। और उस व्यक्ति ने देखा कि अब क्या कर सकते हैं, तो सामने एक झोपड़ी थी, वो व्यक्ति वहां से उतरा, उस झोपड़ी में गया और झोपड़ी में जाकर देखा तो एक ओल्ड लेडी, बूढ़ी महिला ईश्वर की प्रार्थना कर रही थी, भगवान की पूजा कर रही थी। और भगवान की पूजा करते करते जब उसने कहा कि माता जी क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं, उसने कहा बेटा अंदर आ जाओ, बैठो, चाय पियो, पानी पियो, मैं भी ईश्वर की आराधना कर रही हूँ। देखा तो बेड पर एक बच्चा लेटा हुआ था और वो बच्चा वहां बीमार था। तो उसने पूछा माता जी इस बच्चे को क्या हुआ? कह रहे भाई देखो इसको क्या हुआ है तो मुझे पता नहीं, लेकिन सरकारी अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स ने कहा है कि हार्ट का पेशेंट है और ये हार्ट का मरीज है। एक डॉक्टर जो दिल्ली में रहते हैं यदि वो किसी तरीके से यहां आ जाए या ये बच्चा वहां पहुंच जाए तो वो उसका ऑपरेशन करके उसको ठीक कर सकते हैं। और मुझे लगता नहीं है लेकिन मुझे विश्वास है अपने भगवान पर और मैं उसी की प्रार्थना कर रही हूं। और पता नहीं लोग कहते हैं कि ऐसे प्रार्थना करने से भगवान आने वाले नहीं है, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन मेरी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। तो ठीक उस समय उस डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा दिल्ली का डॉक्टर चेन्नई जा रहा है,
मुंबई पहुंचने वाला था, उसकी मुंबई पहुंचा और वहां से गांव में पहुंचा। इसका मतलब ईश्वर की आराधना में बहुत शक्ति है। उसने कहा मैं वही डॉक्टर डॉक्टर राम विश्वास हूं। अगर आइए मैं वही राम विश्वास हूं जिसके बारे में लोगों ने आपको बताया था। अब माता जी मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस बच्चे का ऑपरेशन मैं करूंगा, मेरे हॉस्पिटल में, मेरे क्लिनिक में, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको लेके जाऊंगा और वहां इसका ऑपरेशन करूंगा, क्योंकि शायद ईश्वर ने ऐसा लिखा हुआ था कि आप दिल्ली से जाओगे, जाना कहीं भी हो, लेकिन आप कहां पहुंचोगे, उस गांव में उस बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए। तो इसीलिए ईश्वर पर हमेशा विश्वास करें और हमेशा हम्बल बने रहें। जितना ज्यादा आप हम्बल होंगे, जितना ज्यादा ईश्वर के प्रति धन्यवाद करेंगे, लोगों के प्रति धन्यवाद करेंगे। कोई व्यक्ति किसी का बुरा नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति किसी का अच्छा नहीं कर सकता। ईश्वर के रूप में आए हुए लोग ही आपका अच्छा और बुरा करते हैं। इसका मतलब ईश्वर ने डिसाइड किया हुआ है कि आपके साथ कब क्या बात अच्छी होनी है और कब क्या बात खराब होनी है।